ये मैं नहीं हूँ, नहीं ये मैं नहीं हूँ, आई एम सॉरी, दिस वन इज बेटर. सो हे गाइस, दिस इज मी पेरिविंकल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आज हम लोग का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. एनीवेज, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं हमारी पुरानी नेहा भासिन के बारे में. उनका अभी रिसेंटली या फिर अभी अभी एक नया गाना आया था, लाइक कैंदर एंड समथिंग. ये हिंदी वर्ड है या पंजाबी वर्ड है ये मेरे को नहीं पता. जस्ट मैंने अभी मतलब आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवी और अचानक से गाना आ गया. देन इट वॉज सो मिस्ड अप. इतना अजीब और घटिया गाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. लाइक सीरियसली उन्होंने बताया था कि BTS इज यूजिंग ऑटो ट्यून्स एंड लिप सिंग्स, उनका कोई गाने का मतलब नहीं है, जस्ट यूजलेस. पर जब मैंने ये गाना सुना तब मेरे को मतलब समझ में आया वो ऐसा क्यों बोल रही थी. बिकॉज हर सॉन्ग्स आर मस्ट द वर्स्ट सॉन्ग्स इन दिस वर्ल्ड आई कैन सी. वेल यू वॉन्ट बी थिंकिंग कि मैं ये सब ऐसा क्यों बोल रही हूँ. जब तुम लोग खुद देखोगे ना तुमको समझ आ जाएगा. एंड इफ यू थिंक दैट आप नेहा भासिन को नहीं जानते, देन मेरे प्रीवियस मतलब पहले पहले जो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरे फर्स्ट दो वीडियोज उनके बारे में है, अभी चेक के चेक कर लेना. तो हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं. सो आज हम देखने वाले हैं उनका म्यूजिक वीडियो, जो कि मैंने पहले बस थोड़ा ही देखा था. विल से हाउ इज दैट म्यूजिक वीडियो. सो आई एम गोना प्ले इट नाउ. Started. She is reading something. कुछ पढ़ रही है. ऐसे कौन बैठता है भाई? कल्चर की परवाह इतनी गालियां देने के बाद. अच्छा शुरू हुआ अभी. सेम ही लाइन आगे नहीं बढ़ेगी क्या? भाई कितनी बार रिपीट करोगे वही सेम लाइन? नेक्स्ट. ये क्या है? टॉयलेट के ऊपर एमबी? टॉयलेट के ऊपर? सॉरी. फिर से वो लाइन्स, मतलब उनके लिरिक्स में बस वही लाइन्स हैं. कहते रहते कहते रहते और कोई आगे ही नहीं बढ़ा. तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छा नहीं लगा. या ये क्या था? ये म्यूजिक वीडियो में जरूरी है क्या देखना, वो भी ऐसे गाने में? आई एम सॉरी जजमेंट के लिए, पर आई डोंट लाइक इट. फिर से कहते रहते छोटी इसका टंपो बस. ओ माय गॉड यार, कितने बार ये सेम लाइन रिपीट कर रही है. दूसरों को बोल रही थी कि केपॉप सॉन्ग्स ऑटो ट्यून्स यूज करती है, लिप सिंक्स यूज करते हैं, और खुद का देखो बस एक ही लाइन 100 बार. कहते रहते हैं अभी ऑटो ट्यून्स नहीं है शायद. ये क्या है यार ऐसे म्यूजिक वीडियो में? ऐसा दूसरे के एमवी को बहुत सर्च कर रही थी, अब खुद का देखो सिर्फ टॉयलेट के ऊपर बैठ के. इसने वही सेम लाइंस. ये क्या है यार, बाथटब में गेंडा फूल. बहुत ही फनी एमवी है. अरे यार बस वही सेम लाइंस अगेन एंड अगेन. भगवान मेरा दिमाग खराब हो जाएगा गाना सुन के.
अब तो आगे बढ़ो यार, 100 बार हो चुका है शायद। खत्म हो गया। मतलब इस गाने में बस इतना ही था, एक ही लाइन बार बार कहते रहते कहते रहते कहते रहते, खत्म एमबी। और एमबी में क्या था, सिर्फ टॉयलेट के ऊपर बैठो, ऐसे ऐसे पोज मारो, फिर उस टाइप के कपड़े के बारे में मुझे मत बोलना प्लीज, सॉरी मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में। मतलब इसे गाना कहते हैं, आई एम सॉरी जजमेंट के लिए, मतलब आई एम रियली सॉरी कि मैं सब ऐसे बोल रही हूँ, बट आई स्वेयर मुझे ये एमबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतना घटिया गाना भगवान। मतलब लिरिक्स था ही क्या इसमें, बस एक ही लाइन बार बार कहते रहते कहते रहते कहते रहते एंड दैट्स ओवर, एमबी खत्म। लाइक सीरियसली टॉयलेट के ऊपर कोई बैठ के ऐसे एमबी बनाते हैं, फिर नेक्स्ट बाथटब में सोकर गेंदा फूल के साथ, कुछ अजीब नहीं लगा तुम लोग को? मुझे तो बहुत लगा। एंड अगर रेटिंग्स के बारे में पूछा जाए तो मैं 10 में से 1 भी नहीं दूंगी, आई एम सॉरी। इतना घटिया गाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वेल लेट्स कंटिन्यू। ये क्या था, आखिर में ये भी देखना था क्या? अच्छा हुआ मैंने अपने आईज कवर कर लिए थे, तो बहुत अजीब लगता। वेल खत्म हो गया म्यूजिक वीडियो। वेल वीडियो खत्म हो गया, हमने पूरा म्यूजिक वीडियो भी देख लिया और देखा। वेल वीडियो खत्म हो गया, हमने पूरा म्यूजिक वीडियो भी देख लिया और देखा कितना घटिया गाना था ये, सॉरी। उन्होंने बीटीएस और केपॉप गानों को अपने गानों से, मतलब सॉन्ग्स के साथ कंपेयर किया था, ऑटो ट्यून्स एंड लिपसिंग्स के साथ। पर मैंने रिपीटेशन सुना था, हाँ एक लाइन को 2 बार या 3 बार या 4 बार रिपीट करते हैं, पर पूरे गाने में सारे लिरिक्स एक ही लाइन के, कहते रहते कहते रहते कहते रहते कहते रहते, ये चलता ही रहा, मतलब स्टार्टिंग से एंड एक ही लिरिक्स। वाओ, इनको तो बेस्ट सिंगर और लिरिक्स राइटर का अवार्ड जरूर मिलेगा। ऊपर से एमबी का वो जो क्या थीम या फिर सेटिंग्स जो भी बोल सकते हैं, टॉयलेट के रूम में या फिर टॉयलेट के ऊपर बैठ के कॉल्स उठाना, फिर बोलना कि कहते रहते कहते रहते, दैट्स अ फनी, आई एम जस्ट लाफिंग। देन और कुछ था एमबी में जो कि इंटरेस्टिंग लगा हो, उनके आउटफिट्स, गोल्डन आउटफिट के साथ ब्लू आई शेडो, कुछ अजीब नहीं लगा? आउटफिट्स चलेंगे फिर भी, पर वो जो बीच में और आखिर में जो आउटफिट आया जिसको वो पहन के चल रही थी, फिर सो के ऐसे 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 कर रही थी, दैट वॉज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी, फॉर अ गर्ल टू वॉच दिस। यस मतलब यू कैन एक्ट लाइक दैट नो प्रॉब्लम, बट इसको इतना ज्यादा अजीब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इस एमवी में। वेल हमने पूरा एमवी देख लिया है, होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। इट वॉज माई रिएक्शन वीडियो ऑन नेहा वासिन्स कहते रहते। सो इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन योर व्यूज व्हाट यू थिंक, इफ योर व्यूज मैच माई व्यूज देन वी थिंक द सेम, हम लोग एक ही तरह सोचते हैं। इफ यू थिंक समथिंग डिफरेंट और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे उसके बारे में भी आप बोल सकते हो, ओके। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।